अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी सही तरह से काम करे तो आपको इस वीडियो में बताया जाने वाला विकल्प सबसे अच्छा है। किडनी तेजी से काम करने लगेगी अगर इस चीज को एक बार प्रयोग में लाने लगे तो। आखिर है क्या ये चीज? किडनी धीमी गति के काम करती है तो इससे आपको शरीर में कई सारी परेशानियां आने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किडनी धीमी गति से काम करती क्यों है? क्या वजह है जो आपकी किडनी का काम स्लो हो जाता है? और इसके साथ ही किडनी का धीमा काम करना आपके शरीर में क्या क्या परेशानियां दे सकता है? किडनी मानव शरीर का अहम हिस्सा है जिसका काम आपके शरीर में जमा गंदगी को शरीर से बाहर करने का होता है। लेकिन जब किसी कारणवश किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और किडनी के काम करने की कैपेसिटी धीमी हो जाती है तो इससे शरीर में काफी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको आज हम बताएंगे एक ऐसा नुस्खा जो आपकी किडनी के काम करने की गति को कर देगा तेज। वो नुस्खा है गिलोय, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैंगनीज से भरपूर गिलोय, जिसका सेवन आपकी बॉडी को कई बीमारियों से दूर रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना, ये तीनों भाग बड़े ही गुणकारी हैं। परंतु किसी भी बीमारी के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने और डंठल का ही होता है। गिलोय का सेवन आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से बाहर करता है। गिलोय का पानी पीने से आपको यूरिन भी सही मात्रा में होता है, जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं रह पाते। अगर आप गिलोय के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी किडनी अंदर से साफ होती है, जिससे आपकी किडनी के काम करने की गति तेज होती है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं और इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपकी किडनी के काम करने की गति कभी धीमी ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में गिलोय को जरूर शामिल करें। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपको संक्रमण से बचाते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में होने वाली अनावश्यक सूजन को दूर करते हैं। गिलोय में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देते, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। इसके साथ ही गिलोय बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच और यूरिन से जुड़ी सारी समस्याओं में राहत पहुंचाता है। गिलोय आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे आप कम बीमार पड़ते हैं। गिलोय का सेवन आपके शरीर में रक्त की कमी को पूरा करता है, जिससे न सिर्फ आप शरीर की कमजोरी की समस्या से दूर रहते हैं, बल्कि इससे आपकी किडनी भी अपना काम ठीक तरह से कर पाती है। क्योंकि आपकी किडनी में जब रक्त फिल्टर होता रहता है, तभी आपकी किडनी ठीक रहती है। किडनी में रक्त की कमी होना किडनी सिकुड़न का कारण बन सकती है। गिलोय न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि ये आपकी सुंदरता को भी बनाए रखने में मदद करता है। इससे आपकी त्वचा और आपके बाल दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। गिलोय आपको आराम से किसी नर्सरी में मिल सकते हैं और इसकी छोटी सी बेल काफी बड़ी हो जाती है। और इसकी खास बात ये है कि ये बेल जिस पेड़ के सहारे बड़ी होती है, उस पेड़ के अच्छे गुण भी अपने अंदर ले लेती है। तो ये है खास नुस्खा जो आपकी किडनी के काम की गति को बढ़ाता है। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं, ये आपकी किडनी को अंदर से साफ करता है। अजवाइन वाला पानी भी आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। जीरे का पानी पीना भी आपके लिए फायदेमंद है। हल्दी वाला पानी भी आपकी किडनी के काम करने की गति को बनाए रखता है। और ये सभी चीजें आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगी। इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करके आप किडनी के काम करने की गति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन किडनी के मरीज इस बात का ध्यान रखें कि इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करने से पहले एक बार
डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ का कैसे पता चला था? हमारे यहाँ पे दिल्ली में कोई रिलेटिव रहते थे, उन्होंने बताया। अच्छा, जब आए थे क्या दिक्कत थी? इनका इंटरनेट बड़ा हुआ था और इनको चलने में प्रॉब्लम आती थी, इनके प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, अब हमारे हमने दवाई खाई है बट हमारे रिपोर्ट कराई आपने? हाँ जी, आज ही करवाई है। अच्छा, कितना इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन है? पहले क्या क्या तकलीफ आती थी? पहले ये था कि पैर में सूजन थी, चल नहीं सकते थे, थक जाते थे, काम नहीं कर पाते थे कोई भी। अब तो ये स्कूल में भी जाते हैं, ठीक है, और काम शाम सारा कर लेते हैं। ये नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, नहीं, मॉर्निंग 3:30-4 बजे उठ गए थे, 3:30-4:00 बजे। डॉक्टर से क्या बताया था आपको वहाँ पे? उन्होंने ये बताया था कि ये दवाई चलेगी, आपकी तो किडनियाँ खराब हो गई हैं, आपके तो दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, बस आप ये दवाई खाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने सीधा आपके पास। अच्छा,